हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा आखिरी दिन है बाबा बैजनाथ धाम में। आज हम लोग निकलने वाले, आज रात की हमारी ट्रेन है। तो अभी हम लोग सुबह गए थे दर्शन करने। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने पूजा किया, सब कुछ कर पाठ वाठ करने के बाद अब शाम की ट्रेन है। अभी करीब 12 बज रहे हैं, तो हम लोग आज पूरे दिन शॉपिंग करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं, क्या क्या खरीदते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, बहुत बड़ी मार्केट है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी सामान भी यहाँ पे। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको कि हम लोग क्या खरीदते हैं, क्या क्या शॉपिंग करते हैं। आप पीछे देख सकते हो चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। इधर ये पीछे पूरी गली में मार्केट है, इधर पूरी गली में मार्केट है, पीछे और भी दो चार गलियाँ, सब में मार्केट ही मार्केट है। तो यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे सामान भी है। तो आज हम लोग शॉपिंग करेंगे, फिर अभी 2-3 घंटे बाद यहाँ से निकल भी आएंगे, हमारी शाम की ट्रेन है। तो बने रहो, ब्लॉग को देखते रहो। तो हमने बहुत सारा सामान ले लिया है, गाड़ी के लिए भी ले लिया, घर के लिए भी ले लिया, और देने के लिए भी, सबके लिए ले लिया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या लिया है, बहुत सारा सामान लिया है। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ क्या क्या लिया है। इसके बाद हम लोग आएंगे मीठे की दुकान में, वहाँ से प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद फिर और खिलौना उलौना लेना है। इधर दीपक सर, दीपक जी अपने गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सारा सामान खरीदते हुए। देखो आपने क्या क्या खरीदा है, इधर इधर क्या 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 ले लिया आपने। शिवलिंग, शिवलिंग तो लिया। ये क्या है, ये मंगलसूत्र किसके लिए लिया दीपक, इधर इधर इधर, ये मंगलसूत्र किसके लिए लिया है, ये आपने लिया, ये देखो वकील साहब ने मंगलसूत्र। ले लिया, यहाँ का पेड़ा मशहूर है, ये हमने पेड़ा लिया है, प्रसाद घर लेकर जाएंगे। तो यहाँ का पेड़ा काफ़ी मशहूर है, आप लोग भी आइएगा तो पेड़ा जरूर खरीदेगा। तो दो तरीके के पेड़ा होते हैं, खोआ वाला पेड़ा होता है, मलाई वाला पेड़ा होता है। तो हमने मलाई वाला भी लिया, पेड़ा वाला, खोआ वाला, दोनों पेड़े लिए हैं। तो अभी पेड़ा ले लिया और मम्मी ने और भी सामान खरीद लिया। मैंने ज़्यादा कुछ सामान खरीदा नहीं, इसलिए लड़कों के लिए भी है, मतलब लड़कियों को ज़्यादा सामान यहाँ पे। तो अभी कुछ देखते हैं, कुछ मुझे समझ में आया तो मैं भी लूँगा अपने लिए। एक दो हाथ में पहनने के लिए कड़े वो लिए हैं, क्या कहते हैं, एक दो हाथ में पहनने के लिए वो लिए हैं, बैंड टाइप का। तो और देखते हैं क्या क्या है। गाइस, मैं व्लॉगिंग कर रहा था, व्लॉगिंग के चक्कर में मैं काफ़ी पीछे रह गया। मम्मी पापा वकील साहब और दीपक पता नहीं कहाँ चले गए, मैं अकेला हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मैं कौन सी गली में हूँ, कहाँ पे हूँ। 3-4 गली से उनको ढूंढ रहा हूँ, अभी तो मिले नहीं वो लोग मुझे। फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन किसी के लग नहीं रहा, यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। अब देखता हूँ, समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊँ या इधर जाऊँ, वो लोग किधर गए हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी करो थोड़ा सावधानी से करो व्लॉगिंग, मुझे महंगी पड़ गई। मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये करे, ये करे, ये करे, ये करे। तीनों गुरुजी के, एक में मैं और गुरुजी दोनों लोग खड़े हैं। तो फ्रेम बनवाया, फ्रेम उसको फोटो मेल करा, फिर उसने निकलवाया, पूरा लंबा प्रोसेस था। तभी सारा सामान ले लिया, हम लोग होटल में जा रहे हैं, चेंज करेंगे, सामान पैक करेंगे, फिर शाम में ट्रेन है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय पानी पियेंगे, उसके निकलेंगे। तो ये था हम लोग का आज का पूरा, ये देवघर की मार्केट दिखाया आपको। अभी ये अपना होटल, इसके अंदर हम लोग घुस चुके हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पर रूम है। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सी घूमे, काफ़ी थक भी चुके हैं। और तो अभी बस ऊपर आ चुका हूँ, मम्मी और वकील साहब और पापा नीचे। ये 104 रूम नंबर हमारा है, बस वो लोग नीचे से ऊपर आ जाए चाबी लेके। तो इस ब्लॉग को ये खत्म करते हैं, काफ़ी मज़ा आया,
आप लोग भी आइएगा, जरूर घूमिएगा देवघर, यहाँ पे शॉपिंग करिएगा, सामान खरीदिएगा, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं लड़कियों के लिए, खासकर काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लड़कों के लिए इतना कुछ खास है नहीं। तो ये जो लोग कहीं खत्म करते हैं, मेक श्योर की लाइक कमेंट करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। बाय, लव यू, टेक केयर।